ओम श्री परमात्मने नमः। चौदहवां अध्याय। भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्गुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वो सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बनता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वो इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्गुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्गुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्गुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में आपवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब ये मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्याद निर्मल फल कहा गया है, राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्गुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण से स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही आते हैं, और तमोगुण कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि निच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमात्मानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष
सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्तियों को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्मभाव में इस सुख दुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्थिति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अभ्य विचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वो भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। 14वां अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।